लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी है। कई पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है, तो वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी घर वापसी कराने में जुटी है। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ऐसे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं की घर वापसी कराई गई। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की मौजूदगी में पूर्व विधायक महावीर रघड़, दिनेश रावत, जितेंद्र रावत, अनुसुईया प्रसाद मैखुरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। नहीं करते भारतीय जनता पार्टी में मैं 35 सालों से रहा हूँ और संगठन की सेवा की है, तो अपना वापसी का इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है। अब तो भीड़ ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पे आएगा ना भीड़ से कोई मतलब नहीं। हम तो चाहते हैं इसमें पूरा देश जुड़ जाए, और नंबर की कोई बात नहीं है, नंबर की चिंता नहीं है। संगठन मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का सपना, और इस भारत को राष्ट्र गुरु विश्व गुरु बनाना, और अब की बार 400 पार का जो सपना है हमको उसको मजबूत करने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में पुनः आए। देखो ये तो समय बताएगा, कितना वक्त बताएगा। अरे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ भूल की, चुनाव लड़ गए, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ, उन सब ने निवेदन किया प्रदेश अध्यक्ष जी को कि हम चूंकि बचपन से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और जो भूल हुई है उसको क्षमा करके हमको फिर से मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए, हम अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में, प्रदेश की 5 सीटों को पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जिताने में, वो सब अपना योगदान देना चाहते थे, इसलिए निरंतर कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी करीब 500 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। एक सवाल।